तुमको क्या लगता है दुनिया में तुम इकलौते इंसान हो जिसे प्यार हुआ है और उसका दिल टूटा है? बल्कि दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी से प्यार हुआ होगा और उसका भी दिल टूटा होगा। रेल गाड़ी चा चा चा, रेल गाड़ी चा चा चा, चाय। ये देखो, ये इकबाल है, इसको भी प्यार हुआ था, इसका भी दिल टूटा था। बोलो इकबाल। हाँ बताएं। हाँ तो बताते हैं। देखिए, एक तरफा प्यार तो सबको होता है, लेकिन हमें दो तरफा प्यार हुआ था और बहुत सही चल रहा था। स्लोली हम लोग खूब बातें क्या करते थे रात रात भर। वो बोलती थी सोना चाहिए। नहीं, ये तो एकदम सही कहती थी ना, क्योंकि सोना तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। दिन की 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। हाँ, हम भी वही बोले कि बहुत रात हो चुकी है, अब सोना चाहिए। लेकिन उसको वो सोना नहीं चाहिए था, उसको गोल्ड वाला सोना चाहिए था। बता। ये बात हमें तब पता चली कि उसने वो गोल्ड की रिंग और गोल्ड की चेन वाले शादी कर ली, और हमारे पास ले दे के बच गया बस गोल्ड के नाम पे दिल। नहीं, गोल्डन बाल। चीता। हाँ। तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? हुआ है हमको प्यार संतु जी, हमको अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। तो क्या होता है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम इसे अपना आंख खोलते हैं ना संतु जी, तो खाली उसी को देखना चाहते हैं, और जब कभी अपना आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ उसका ख्वाब देखना चाहते हैं। एक लड़की है दीवानी सी, उसकी अदाएं हैं जानी पहचानी सी। जब वो मुस्कुराती है तो मासूम सी लगती है, और जब वो गुस्साती है तो बहुत हसीन सी लगती है। कौन है वो लड़की और कब प्रपोज करेगा उसे? हेलो, कभी भी नहीं। नहीं संतु जी, क्या है ना कि वेमेन साइकोलॉजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा प्यार उस लड़की को गवारा नहीं है। मतलब हम उस लड़की के दोस्त ही बनकर रहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमारी दोस्त ही बनकर रहना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम उसको प्रपोज करें। और ये भी तो सच है ना संतु जी, कि मोहब्बत करके जुदा होने से बेहतर है कि दोस्त बन के पूरा जिंदगी साथ रहा जाए। और सच्चा प्यार भी हासिल करना थोड़ी होता है। सच्चा प्यार तो उसी का नाम है जो हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ निभाए। अब खाली उसका खुशी में हमारा खुशी है, और उसको खुश देखना हमारा मकसद है संतु जी। ये तो बहुत अच्छी बात है पुष्पा जी, कबीर पर काउंसलिंग का असर हो रहा है, गुड। चीता, हमें लगता है कि फिर भी तुम थोड़ी देर कबीर के साथ ही रहो, उसे और काउंसलिंग की जरूरत है। जी मैडम सर। मैडम सर, चाय पीने के बाद जाएं वहां पे? जाओ। ओके मैडम सर। पता नहीं एकदम से कबीर में जो इतना हृदय परिवर्तन आ गया है, हमको भरोसा नहीं हो रहा है इस पे। सर फिर आशिक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसे लोगों को, ये नाटक कर रहा है मैडम सर। यहाँ से बाहर निकलेगा तो पिया से बदला जरूर लेगा, आप मानिए। हमारे करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाती हैं? कभी कभी हम फोन। नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया, और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था, क्या करें। तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? हम तुम्हारे थाने के पास में जो चेकनाका है ना, उसे क्रॉस करके तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। हाँ ठीक है, हम आ सकते हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस निकल ही रहे। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। अच्छा ठीक है। का मतलब हसीना मलिक को जरिया बनाया जा रहा है, ताकि माल सुरक्षित और बिना चेकिंग के उन लोगों तक पहुंच जाए। पुष्पा जी, हमें थोड़ी जल्दी है, आप हमें सब कुछ अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मैडम सर, अब तो थोड़ी जल्दबाजी करनी बनती है ना। पुष्पा जी, अब वैसी जल्दबाजी नहीं, हम काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है, आप संभाल लेना। हाँ हाँ
हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, आप इत्मीनान से जाइए। मगर हाँ मैडम सर, आज आप अपनी अधूरी बात पूरी कर दीजिएगा डीएसपी सर के साथ। देखिए आज नहीं तो कभी नहीं। कौन सा अधूरा बात पुष्पा जी? कुछ नहीं, आप चलिए ना, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। चलिए तो सही, चलिए। मैडम जयहिंद हसीना जी, बताइए कैसे याद किया? सर दरअसल हम, अगर आप फ्री हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। याद है हमने कहा था हमें आपसे एक सवाल पूछना है, तो उसी सिलसिले में पिछली बार पूछ नहीं पाए थे तो सोचा अगर आप फ्री हो तो। क्षमा चाहते हैं हसीना जी, दरअसल आज हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कल हम आपसे अवश्य मिलेंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो, आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। नहीं मैडम सर, आपकी ईमानदारी में पुलिस फोर्स को कोई शक हो ही नहीं सकता, और उस ड्रग वाली घटना के बाद हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज जाइए मैडम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हसीना मलिक का इस्तेमाल किया जा रहा है बैग को पुलिस चेकिंग से बचाकर बाहर निकालने के लिए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। चाचा जी कैसे हैं? ईश्वरी कृपा है, बहुत अच्छे जी। ये लीजिए आपका पार्सल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चाचा जी को हमारा नमस्ते कहिएगा। हाँ हाँ जरूर कह दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा। हाँ हाँ प्लीज प्लीज ऑफ कोर्स। कहीं ये बैग लेकर महिपाल के पास तो नहीं जा रहा, इसका पीछा करना होगा। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। आपकी ये मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है क्या? क्या ये पोस्टपोन हो सकता है? असंभव है हसीना जी, हमने अपनी माताजी को वचन दिया था, इस गोष्ठी के लिए तोड़ नहीं सकते। हम आपसे कल भेंट करते हैं, फिलहाल हमें लोहपत गामिनी की भांटी दौड़ लगानी है। ट्रेन की रफ्तार से जाना है, हम अवश्य आपसे कल मिलते हैं। आगे दीजिए, चलते हैं हसीना जी। क्या माँ को वचन दिया है मीटिंग के लिए? देखिए मैडम सर, हो ना हो वो किसी और लड़की से मिलने गए हैं शादी के लिए। मैडम सर कहीं ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए और वो किसी और लड़की को पसंद कर ले शादी के लिए। जाइए रोकिए उन्हें। गाड़ी तो अभी सिर्फ स्टेशन से निकली है ना, अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंची है। क्या पता आपकी बात सुन के वो रुक जाए, जाए नहीं उस लड़की से मिलने।
और हाँ, जब तक वो अपने मुंह से आपको मना ना कर देना, उनकी तरफ से आप ना बिल्कुल मत समझिएगा। मैडम सर, इससे पहले कि उनका मन किसी और लड़के से मिले, आप जाके मिल लीजिए उनसे, जाइए रोकिए, कह दीजिए अपने मन की बात, जाइए जाइए सीधा बात कर लीजिए, अभी हम रख रहे, जाइए मैडम सर। शिव जी, मैडम सर को शक्ति देना आज बात करने के लिए। हसीना जी हमें क्यों दूरभाष कर रही हैं? काट दिया? पड़ा है ये फाइल, बताओ। डेल्टा वन कॉलिंग रोमियो, ओवर। डेल्टा वन कॉलिंग फॉर रोमियो, ओवर। डेल्टा वन फॉर रोमियो, ओवर। ये मैडम सर किससे बात करना चाह रही है? डेल्टा वन कॉलिंग रोमियो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अनुभव सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज गाड़ी रोकिए। अनुभव भैया, सर हम बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे हैं, प्लीज गाड़ी रोकिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोमियो कॉलिंग डेल्टा वन, हसीना जी क्या हम ये कल तक नहीं टाल सकते? ओवर। जी नहीं सर, कल तक बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते, काल करे सो आज कर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज रुक जाइए। हसीना जी आपको क्या हो गया, आप हमसे वायरलेस पर क्यों बात कर रही हैं? ओवर। सर हम खुद ही समझ जाइए, अगर हम वायरलेस पर बोल रहे हैं तो समझिए कि कितनी जरूरी बात होगी। सर हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं, रुक जाइए प्लीज, ओवर। हाँ बहुत जिद्दी है हसीना जी, हमने आपसे कहा था ना एक बहुत जरूरी काम के लिए हम जा रहे हैं, हम कल अवश्य आपसे भेंट करेंगे, ओवर। सर ये बात हम मिलकर ही कर सकते हैं, प्लीज रुक जाइए, बात समझने की कोशिश करिए। प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे? पीछे ही पड़ गई। अनुभव सर, आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे, गाड़ी रोक दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ये तो किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया, आगे क्या हुआ होगा पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ना हमारा दिल तो कहता है, जिस तरह से डीएसपी सर की गाड़ी मैडम सर को देख के हमेशा रुक जाती है ना, वैसे आज भी रुकी ही होगी, देख लेना। डीएसपी सर ना अकल से काम लेते हैं, मैडम सर की तरह जज बातों से काम नहीं लेते हैं। मैडम सर को मना करने वाला इंसान अकलमंद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और जितना हम आपके अन्नू भैया को जानते हैं ना, वो आपसे थोड़ी से ज्यादा समझदार है। अब ना
मैडम सर को भाभी कहने की आदत डाल दीजिए। तब भाभी 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 ये जो आप हमको छेड़ती हैं, आपको लगता है हमको समझ में नहीं आता है? नहीं बनेंगी वो हमारी भाभी, और इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में वो हमारा भाभी नहीं बनेंगी। क्यों, आपकी भाभी बनने के लिए क्या वीजा जरूरी है? अगर फैमिली वालों का वीजा लग रहा होता ना तो हम आपका नाम सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में डाल देते। हमें बस इतना पता है कि अनुभव भैया ना कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। होगा, ऐसा जरूर होगा, उनका जवाब हाँ में ही होगा, देखना। भाभी यार किस कब्ज में आप सबका शुक्रिया अदा करें ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अम्मा मियाँ, शुक्रिया अदा करने के लिए कब्ज नहीं लफ्ज की जरूरत होती है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अब ना हमें सच में समझ आ गया है कि प्यार जो है ना वो जकड़ के नहीं होता, प्यार मतलब आजादी, और प्यार का दूसरा नाम गुरुवाणी है। गुरबानी नहीं, कुर्बानी बाबू। हाँ भाई, यार हम कहीं तो तुम्हें देखे। नहीं देखा है तुमने यार, हम बोल रहे हैं ना तुमको। देखो जो होना था हो गया, सच बात तो यह है कि अब जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो हम पिया जी और उस लड़के को जाकर ना उनसे माफी मांग लेंगे, बहुत मारे हम उसको। अरे देखिए भैया, आपको आपको माफी मांगनी है, माफी मांगनी है आपको, अभी मांगी है। पर वो लड़का यहाँ है कहाँ? अरे यहाँ कहाँ, यही तो है, ये चीता यही तो था पिया के साथ। चीते, जब तुम्हारा नाम चीता है तो इतनी नीच हरकतें क्यों करते हो? इसका मतलब वो मूंछ तुम्हारी थी हा? और ये चोट हमारी दी हुई है ना। छोड़िए कोई बात नहीं, माफ कर दिया हम आपको। अब समझे कि तुम ये बिरयानी का ज्ञान कहाँ पेल रहे थे। अबे चपड़ गंजो, बिरयानी नहीं कुर्बानी होती है। अबे चुप, क्या 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 करोगे, मारोगे? अब सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सब सुनोगे। हम सब समझ गए, तुमने इसलिए किया ना कि हम तुम्हारे रास्ते से हट जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम पिया जी के साथ हो जाओ। लेकिन सच कहें, ये अब होगा नहीं, क्योंकि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है थाने में होके तुम थाने के हवलदार के साथ मार पिटाई कर रहे हो? तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया आज? तुम ऊपर देख के ना धन्यवाद करो कि हम चुपचाप खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो ये आशिकी का जो भूत है ना तुम्हारे अंदर, ये 5 मिनट के अंदर हम निचोड़ के निकाल सकते हैं, समझ गए? यहाँ कहाँ खड़े हो टोपे के जैसे, बंद करो ना ऐसे हवालात में। कब तक रोकेगा हमें यहाँ पर? कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ना, तो जब छोड़ेंगे ना तो इन दोनों के तो शक्ल का जो हम हाल करेंगे ना वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना देर हो गया मैडम सर अभी तक नहीं आई है। संतू तुम दोबारा फोन लगाओ, पूछो कहाँ रह गई है। नहीं 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 संतू, कहाँ नहीं करोगी तू? क्यों? अरे क्या करने के लिए कह रही है आप संतू को? देखिए अभी अभी तो मैडम सर और डीएसपी सर में कुछ कुछ होने के आसार नजर आ रहे हैं, और आप ही की अब मैडम सर शर्मा के डीएसपी सर को टाटा बाय बाय कल मिलेंगे ऐसा कहेंगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं पुलिस में? ज्योतिष बनिए ज्योतिष, तोते की तरह सबका फ्यूचर तो आप ही बताती हैं। दूसरा तरफ भी रखना तुमको हाथ। नो नो मैडम नो। बताइए पूरी दुनिया का फ्यूचर बताइए, 11-11 रुपए मिलेंगे आपको। मैया कसम, हमेशा दिमाग इतना गर्म रहता है ना, सर पे अगर तवा रख देना तो 2 वक्त का खाना यू गर्म हो जाए। देखिए 2 प्यार करने वाले मिल रहे हैं, लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं, वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। अनुभव भैया कभी भी मैडम सर के लिए हाँ नहीं कहेंगे, वो दोनों एक नहीं हो सकते। तुम फोन लगाओ जल्दी फोन लगाओ। नहीं सर तुम फोन नहीं करोगी। नहीं तुम करोगी, हमको जानना है मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ क्या हुआ मैडम सर, डीएसपी सर ने गाड़ी रोकी कि नहीं?
ये बात आप सबको कैसे पता है? मैडम सर, सिर्फ हमें नहीं, लखनऊ के सभी थाने वालों को पता चल गया, क्योंकि आप जब बात कर रही थी ना, तब वायरलेस पे हम सब सुन रहे थे। हाँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? प्यार का इजहार ही तो कर रही थी आप। देखिए, हमें और संतू को लगता है कि डीएसपी सर ने हाँ कहा होगा, और करिश्मा जी को लगता है कि ना कहा होगा। एक मिनट जी, देख तुमको क्या लगता है? हमको तो इतना लगा है कि हमको तो लग रहा है कि हमको लगना ही बंद हो गया पुष्पा जी। चीते एक दो बार मार पड़ी, तू आ करने लग गया, पुलिस में कैसे भर्ती हुआ तू? संतू, ये तुम पूछ रही हो? पुष्पा जी, आप पूछ रही हैं। करिश्मा सिंह, आप पूछ रही हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब पुलिस में कैसे भर्ती हो गए। संतू जी, चोट से ज्यादा इस सवाल से दर्द हुआ है हमको। चुप करो ना, मैडम सर को मुद्दे से भटका रहे हो तुम लोग। मुद्दा? पुष्पा जी, ये मुद्दा हमारा निजी मामला है, ये कोई वेदर फोरकास्ट नहीं है जो सब खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बारिश होगी या नहीं। मैडम सर, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हो रहा है, क्लियर रिजेक्ट होगा। नो मैम, नो मैम। तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है, तुमको भी तो रोज रिजेक्शन ही मिलता है। मैडम, आप लोग क्या खुसुर-बुसुर कर रहे हैं वहाँ? हटिए आप प्लीज, क्या कर रहे हो ये? और करिश्मा सिंह, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आप बार बार फोन पे फोन किए जा रही थी हमें? नहीं, आप बहुत भरोसे के साथ कह के गई थी कि काउंसलिंग से जो है कबीर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, चीता परिवर्तन होने वाला था। उसने दोनों हाथों से जो चीता को आज फोड़ा है, आपके जज्बातों के चक्कर में ना आज वो स्वर्गवासी बन जाता। हम कह रहे हैं, चीता हो, पिया हो, कोई भी हो, यहाँ से निकलने के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ करेगा, हमको पूरा विश्वास है। आप हमें ना हमारे तरीके से केस सॉल्व करने दीजिए, हम निपटा देंगे। हो गया, बोल दिया, कर लिया जिसको जो डिस्कशन करना था। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, इस थाने की SHO हम हैं, इसलिए केस किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम डिसाइड करेंगे, और ये केस हमारे तरीके से ही सॉल्व होगा। अब आप इसको हमारी मनमानी समझिए, जिद समझिए, जो समझना है समझिए, बट दैट्स फाइनल, जा सकते हैं आप सब। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत हॉट है मैडम सर, आशिकी में बहुत गहरी चोट खाकर आई है आज। चलो मैडम सर, आप ऐसे जो हैं तो हम भी ऐसा आए हैं, और इस बार आपकी नहीं हमारी मनमानी चलेगी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इतनी रात को? आपके आखिरी वक्त की तैयारी कर रहे हैं हम। है? क्यों, आपने कहा था ना कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो पिया को छोड़ेंगे नहीं, अब ये तो तब होगा ना जब आप यहाँ से अपनी जान को बचाकर बाहर जा पाएंगे। हम कुछ समझे नहीं। अब चपड़गंज मैडम का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। हाँ, और सबको लगेगा कि तुमने खुदकुशी की है? पर हम क्यों खुदकुशी करेंगे? क्योंकि आप पिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जैसे ही आपको पता चला कि पिया किसी और से प्यार करती है और किसी और के साथ भाग गई, तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुमने आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे, ये कल टीवी पे चलेगा और उन लोगों तक पहुंचेगा जो तुम्हें हीरो समझते हैं, समझे? अब तुम ठहरे हीरो और हम ठहरे डायरेक्टर, और हीरो तो वही करता है जो डायरेक्टर कहता है। अम्मा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? पकड़ो ना भाई, घड़ी दिखाओ, घड़ी दिखाओ। अबे हमें क्यों पकड़ रहे हो? हैं?